कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर के पूरे देश में बहुत आक्रोश है, रोष है, और कल भी पूरा दिन जगह जगह धरना प्रदर्शन, पुतला दहन के कार्यक्रम होते रहे। उसी क्रम में आज भी राजधानी लखनऊ में मेन हज़रतगंज चौराहे पर पुतला दहन किया गया और बहुत सारे संगठनों ने धरना प्रदर्शन करके पाकिस्तान के इस कृत्य की निंदा करी है। लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, गुस्सा है। उत्तर प्रदेश से 12 CRPF के जवान शहीद हुए हैं, जिनके शव आज राजधानी लखनऊ के आसपास जो भी ज़िले हैं वहां लाए गए हैं। प्रभारी मंत्री लोग वहां पर जा रहे हैं और शहीदों के परिवारों से, उनके परिजनों से मिल करके उनको सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भी आज हज़रतगंज चौराहे पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, पुतला फूंका गया और लोगों ने ये जताया कि किस तरह से पाकिस्तान के इस कृत्य को अब देश स्वीकार नहीं करेगा। जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं, चाहे वो स्कूली बच्चे हों, अन्य संगठन हों, हर जगह से एक विरोध का स्वर बड़े मुखरता से सामने आ रहा है। इसी कड़ी में पुतला दहन के साथ साथ ये कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये सब मोमडन लोग हैं और इनके साथ नवाब मीर जाफर अब्दुल्ला, जो अवध की रियासत के अंतिम नुमाइंदे हैं, वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और नवाब साहब ने तो यहाँ तक बिल्कुल साफ साफ कहा कि पाकिस्तान पर हमला बोल करके एक बार फिर से पाकिस्तान को हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए और हिंदुस्तान को ही पाकिस्तान पर राज करना चाहिए। हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी, बल्कि कहें तो सभी धर्मों के लोग इस पुलवामा के आतंकी हमले को लेकर के बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। नवाब साहब से भी हमने बात करी और भी जो लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, उनसे भी हमने बात करी। आइए जानते हैं कि उनका क्या रुख है पुलवामा आतंकी हमले को लेकर। नवाब साहब, पुलवामा में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, आतंकी घटना हुई, पूरा देश शोकाकुल है और नवाब मीर जाफर अब्दुल्ला साहब को लखनऊ की एक आवाज़ माना जाता है, अवध का एक आपकी पहचान मानी जाती है। आज आप लोग गांधी प्रतिमा पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा एक हादसा है, हम लोग खिराज अकीदत पेश करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि और कंडोलेंस पेश करने के लिए यहाँ के ऊपर बैठे हैं जी। ये एक एहतजाज भी है जी। गवर्नमेंट से हम लोग कहना चाहेंगे कि अब नारे, वादे, इसका मौका निकल चुका है जी। जितने भी ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनको नेस्त नाबूद करने के लिए एक फाइनल अटैक की ज़रूरत है जी। पाकिस्तान को, जैसे हमारे हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ जी, पाकिस्तान अलग हो गया जी, ये अब मौका है कि इसके ऊपर एक अटैक किया जाए और इसको अनेक्स कर लिया जाए जी, इसको भी हिंदुस्तान का भी एक हिस्सा बना लिया जाए जी, और खुद उनके ऊपर हुकूमत की जाए, वरना वो बाज नहीं आएंगे जी। वो यही हरकतें करते रहेंगे जी, और यही अच्छा मौका है कि फाइनल अटैक करके उनको अनेक्स कर लिया जी जी। ये फिदायीन हमला हुआ, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये फिदायीन तो हो नहीं सकता जी। ऐसा फिदायीन जो है जी, ये नाम ही गलत है जी। फिदायीन वो होते हैं जो फिदा हो जाएं किसी के ऊपर जी, दूसरों की जान ना ले जी। इन्होंने तो एक दहशतगर्दी का मुजाहरा किया है, एक बर्बरियत की है, ये भेड़िए हैं जो अपनी जान भी दे रहे हैं, दूसरों की जानें ले भी रहे हैं जी। तो इनको फिदायीन कहना ही गलत है जी। ये टेररिस्ट हैं, ये दरिंदे हैं, ये मॉन्स्टर्स हैं और इनकी सजा सिर्फ मौत है। पहले के माध्यम से कि पाकिस्तान को जो है आतंकवाद राष्ट्र घोषित करो, यहाँ से सीधी जो है पहुँचे जो है जाकर पी ओके पूरा पूरा कब्जा करें, क्योंकि एक बार पाकिस्तान जो है हिल जाए। इस तरह की सियासत इसके बाद हो रही है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोगों को पूरी तरह से मुकाबला करना चाहिए और इसका खून का बदला खून से लेना चाहिए। जितने भी इस तरह के वाकयात हो रहे हैं बहुत ही बुरे हैं, और चाहे वो आतंकवादी हों चाहे पाकिस्तानी हों, सबको हम लोग जो है पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हम लोग करें। सरकार को ये चाहिए कि बहुत बुरी तरह से एक्शन ले, जिससे कि एक मिसाल बने कि आगे जो है इस तरह के कोई वाकयात ना हो। क्या वो दोषी हैं? और आज ये मौका है कि इनको यहाँ पे लेके आया जाए, मिलाया जाए और उनको पर वही जुल्म किया जाए जो इन्होंने ये यहाँ पे कांड किया है। इस्लाम के नाम पे ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस्लाम बहुत अच्छा है, इसके उसमें जाइए तो देखिए, सऊदी अरब में देखिए, ऐसा काम करने वाले को पहले 50 कोरे मारे जाते, फिर चीटियों से चटवाया जाता है, फिर उसके बाद जो है
वो बड़े बड़े कीड़ों से कटवाया जाता फिर फांसी की सजा सुनाया जाता है, वैसा ही किया जाए इनके साथ, तब इनको पता चलेगा कि ये क्या है। और